हेलो गाइस, वंसकिन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है फिलहाल तीन स्टेटों में, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो मेरे पास अम्बाला फर्स्ट एएससी से रिव्यू है, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। उन कैंडिडेट ने एकदम क्लियर तरीके से बताया है कि वहाँ किस तरीके से आपका प्रोसेस चल रहा है, जीडी का क्या टॉपिक था उनका, और जीडी में आखिर क्या हो रहा है, इतने कैंडिडेट को बाहर क्यों निकाला जा रहा है, एसआरटी का क्या हाल है। और वहीं उन्होंने साफ साफ बताया कि रिटेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही कैंडिडेट कह रहे हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हैं 11 अक्टूबर को फर्स्ट एएससी अम्बाला पर। तो मैं बार बार इसी वजह से आपको कहता हूँ कि जिन कैंडिडेट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको जो क्वेश्चन आए थे, प्रोवाइड कराए गए थे इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जो एग्ज़ाम कराया गया था, मैंने आपके लिए वह प्रोवाइड कराए थे, और उनमें से ही क्वेश्चन आपके लिए वहाँ आए हैं। क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑफलाइन परीक्षा में वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होने को देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए। तो जो कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं भाई के पास। तो वहाँ कुछ क्या रहा, कुछ रिव्यू बताएंगे? वहाँ पे पहले तो फिजिकल हुआ था हमारा। अच्छा, फिजिकल से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स? हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में किसी को बाहर निकाला गया? डॉक्यूमेंट में तो शायद हाँ, नहीं निकाला था शायद किसी को। तो वहाँ अप्रोक्स कितने कैंडिडेट रिपोर्टिंग किया होगा? अप्रोक्स 120 थे। 120। अच्छा, उसके बाद आपका पीएफटी होगा? हाँ, बाद में पीएफटी। पीएफटी में क्या हुआ? पीएफटी में पहले तो कदम ताल हुई थी। अच्छा, आपकी रनिंग तो हो ही नहीं रही है? ना, रनिंग नहीं है। हाँ, उसके बदले कदम ताल किया जा रहा है। हाँ, पुशअप वगैरह, सिटअप्स, स्क्वैट वो थे। अच्छा, पीएफटी में किसी को निकाला गया? हाँ, पीएफटी में निकाला था। कितने भाई? ये तो मेरे को पता नहीं कितने थे। अच्छा अच्छा सर। अच्छा, निकले थे बट? हाँ, निकले थे। सबसे ज्यादा पुशअप में ही निकले होंगे? नहीं, एग्जाम में निकले थे ज्यादा। किस में? एग्जाम में 75 के अप्रोक्स थे हम, और बाकी सारे बाहर हो गए। अच्छा, 120 अप्रोक्स में रिपोर्टिंग था। हाँ, आपके 8 से 10 निकल गए होंगे पीएसटी में। हाँ, इतने हो सकते हैं। तो आपके 1 से 10 में से अप्रोक्स 75 ने रिटेन क्लियर किया। हाँ, एग्जाम में ज्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। अच्छा, बस 30 से 40 है ना? 30 से 40 है लग जाएंगे। नहीं, अच्छा, उसके बाद आपका एसआरटी लिया गया होगा? हाँ, फिर एसआरटी में भी निकाले थे बच्चे। कोई आइडिया? 10-12 थे शायद इतने। अच्छा, 10 गए थे। अच्छा, 10-12। बाद में फिर जीडी हुआ था हमारा। अच्छा, आपका जीडी हो उसके बाद? हाँ, जीडी में 15-15 के 5 ग्रुप थे। 15-15 के 5 ग्रुप? हाँ, तो उसमें से भी निकाल दिए उन्होंने 15-20, तो लगभग 50-60 बच्चों का क्लियर हुआ था जीडी। अच्छा, मतलब एंड में जो मेडिकल अपॉइंटमेंट में लेटर मिला था जिनको, 50-60 कैंडिडेट थे। हाँ, इतने ही थे। तो आपका जीडी टॉपिक क्या था? जीडी टॉपिक स्मार्टफोन एंड टेलीविजन का था। अच्छा, स्मार्टफोन एंड टेलीविजन। अगर किसी कैंडिडेट को पूछा हो क्या जी? जैसे कि आपका, आपने बोला 5 ग्रुप बनाए थे, गए थे ना? हाँ। तो आपका किसी अदर ग्रुप वाले के कॉन्टेक्ट हुआ हो, उससे पूछा हो कि आपका ग्रुप के जो जीडी था उसका थ्रेड है? पूछा मैंने किसी से भी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो मतलब आपकी जो मेडिकल है आपका कब का है? वो 29th का है, अक्टूबर 29। वही होगा फर्स्ट टर्म वाला, फर्स्ट ईयर से जो है ना? क्या चीज? आपका जो मेडिकल है 29 को फर्स्ट एएससी अम्बाला पर ही होगा ना? हाँ, ये एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे होगा। हाँ हाँ, वही हरियाणा में। हाँ, तो यही पूछ रहा था कि आप कुछ था, क्योंकि जो कैंडिडेट पूछते हैं कि रनिंग हो रही है, आप मतलब ऐसे ही फेक वीडियो बना रहे हो। नहीं, तो कोविड 19 को लेकर नहीं कराई जा रही है ना?
हाँ कुछ वो टाइम भी ना 9 बजे जाते हैं, इसकी वजह से ज्यादा देर हो जाती है, तो वो टाइम बचाने के लिए भी कर रहे हैं शायद। अच्छा, तो मतलब रिटेन एग्जाम के सारा पेपर। रिटन एग्जाम बिल्कुल इजी था, अच्छा इजी था। जो पहले बता रहे थे ना बच्चे 9-10 वाले, वही क्वेश्चन थे लगभग सेम ही। हाँ वही तो, देखो आपको बहुत सारा ऐसे आइडिया भी हो गया है ना। हाँ, वेलोसिटी का वो आरएमएस वेलोसिटी का एक था, डायनेमिक फॉर्मूला, टॉर्क वाला था, पावर का था, एक वो गेट आए हुए थे। हाँ अच्छा गेट जो होते हैं वो एंड और नेट है ना। वो नो गेट वाला वो ऑप्शन में था। हाँ जो ट्रक टेबल होती है उसमें। हाँ अच्छा हाँ वही तो, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होती है, वो कहाँ से बनाएंगे इतने पेपर, वही बार बार उन्हीं को देते वही रहते हैं। कुछ और नहीं है, बस बदल लेते हैं, लगते होंगे। हाँ बदल बदल के आज दे दे दिया, कल वो दे दिया। हाँ मैथ भी जी था बिल्कुल, तो आपने मतलब कितना अटेम्प्ट किया होगा? मैंने 50 से 55 की थी शायद इतने। अच्छा, तो कोई नहीं, हो जाएगा। आप अपने मेडिकल की अच्छी तरीके से तैयारी करो। हाँ हाँ वो तो करेंगे। ठीक फोकस रखो, और थैंक्स शेयर योर रिव्यू एंड ओके, धन्यवाद ना। इसकी इसकी वो वैकेंसी पता है क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होते हैं, इसमें एयरफोर्स की जो वैकेंसी होती है रैली की भर्ती के लिए, ये रिलीज नहीं करते हैं। हो सकता है आपके हरियाणा सेंटर के लिए 300 से 400 वैकेंसी हो। हाँ, ये तो बस हो सकता है, पता नहीं, जब भी ज्यादा बंदे ले रहे हैं साथ साथ। वही तो, हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि इस बार का आपको पता है इंटेक भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, ये सेकंड वाला भी नहीं होगा अभी तो। वही सेकंड वाला, उसके अभी इसी वजह से आपके यहाँ हरियाणा राजस्थान बिहार में भर्ती हो रही है। हाँ, तभी तो हरियाणा में तो पहली बार ही हुई है रैली। वही तो, पहली बार राजस्थान में भी पहली बार हुई है आपके, इधर हाँ, साउथ में ज्यादा होती थी। उसमें तो होते हैं। चलो कोई नहीं, आप मेडिकल पर पकड़ बनाओ। तो गैस आपने सुन ही लिया है कि इस तरीके से भाई ने सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया है, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 100% श्योर होकर जाएं कि आपकी वहाँ रनिंग हो ही नहीं रही है। बहुत सारे कैंडिडेट अब भी पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे रनिंग हो रही है क्या। मैं आपको बार बार बताता चलूँ कि रनिंग नहीं हो रही है, कि उसके बदले कदम ताल लिया जा रहा है। और जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट को पता नहीं है कदम ताल क्या होता है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आखिर कदम ताल क्या होता है। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।